दोस्तों, ह्यूंडई एक्सटर को माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में लॉन्च किया गया है और इसका सीधा मुकाबला सेगमेंट की टॉप सेलिंग टाटा पांच से है। अब एक्सटर सीएनजी के आने से पांच के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है और ऐसे में जल्द ही टाटा पांच सीएनजी भी लॉन्च होगी। ऑटो एक्सपो 2023 में पांच सीएनजी को टाटा मोटर्स ने शोकेस किया था और इसमें बेहतर सेफ्टी फीचर्स के साथ ही ज्यादा केबिन स्पेस भी देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि इसमें आपको कितनी पावरफुल इंजन और माइलेज मिल सकती है। पांच की अगर पावर ट्रेन की बात करें तो पांच सीएनजी में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ही फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट मिलेगा, जो कि 77 पीएस की मैक्सिमम पावर और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करने में कैपेबल है। पांच सीएनजी में आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। वही माइलेज की बात करें तो पांच सीएनजी की माइलेज 28 किलोमीटर पर किलोग्राम तक हो सकती है। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो अपकमिंग टाटा पांच सीएनजी को इंडियन मार्केट में 1 लाख रुपए तक की प्राइस रेंज में लॉन्च किया जा सकता है। अगर खूबियों की बात करें तो पांच सीएनजी में डुअल सीएनजी सिलेंडर लगे होंगे, जिसकी वजह से बाकी सीएनजी कारों के मुकाबले इसमें बेहतर बूट स्पेस आपको मिलेगा। दूसरी तरफ अगर एक्स्टर सीएनजी की बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ही फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट लगा हुआ है, जो कि संयुक्त रूप से 69 पीएस की मैक्सिमम पावर और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करने में कैपेबल है और इसमें भी आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। वहीं माइलेज ऑप्शन की बात करें तो एक्स्टर के सीएनजी वेरिएंट की माइलेज 27.1 किलोग्राम पर केजी तक की है। अब कीमत की अगर बात करें तो एक्स्टर एस सीएनजी की एक्स शोरूम प्राइस 8.24 लाख रुपये और एक्स्टर एस एक्स सीएनजी की एक्स शोरूम प्राइस 8.97 लाख रुपये है। तो एक्स्टर और पांच में से आप कौन सी कार की सीएनजी ऑप्शन खरीदना पसंद करेंगे, आप कमेंट करके जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।